अच्छा, अदर पॉपुलर लिस्ट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर जो भी मार्केट में है, पहले नंबर पे तो जिस हमने डिस्कस किया SAP है, सेकंड नंबर पे है ओरेकल, थर्ड नंबर पे है एक सेज का ईआरपी सिस्टम है। सेज भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है ये कि यूके या यूरोप के एरिया में आप जाएँ ना तो आपको मेरा ख्याल है कोई सॉफ्टवेयर सुनने को नहीं मिलेगा। SAP तो खैर वहाँ पर भी है, लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो हैं वो सेज के हैं। और सेज सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, बल्कि सेज लाइन 50 बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर से लेके ये ERP तक सारे सॉफ्टवेयर बनाता है। तो सेज CIS है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक, सेज 100 है, 300 है, सेज लाइन 50 है, ठीक है, फिर सेज अकाउंट्स एंड प्रोडक्शन एडवांस है, फिर सेज रिपोर्टिंग है, फिर सेज ERP है। तो काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी एक अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर है। ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि सेज भी बड़ी तेज़ी से ऊपर आ जाएगा, हो सकता है ओरेकल और नीचे चला जाए और सेज या माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स उसका रद्दो बदल हो। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। ये ओवरऑल मैं वर्ल्ड वाइड रेटिंग बता रहा हूँ। पाकिस्तान में तो SAP के बाद और ओरेकल के बाद थर्ड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स आता है, तो काफ़ी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं। लेकिन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ज़रा इस पे लेट काम करना शुरू किया, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इसकी पॉपुलैरिटी अभी नहीं है। होपफुली के माइक्रोसॉफ्ट भी कोई बड़ी डायनेमिक चीज़ें लेके आए तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा और पॉपुलर हो जाए। क्योंकि बेसिकली चीज़ ये होती है कि आपने यूज़र्स को सिंपल इंटरफेस के साथ मैक्सिमम फंक्शनैलिटी देनी है। अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट खुद ब खुद पॉपुलर हो जाती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। अच्छा, SAP रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, तकरीबन SAP की 29 प्रोडक्ट्स हैं, और वो 29 प्रोडक्ट्स एज सच प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बल्कि कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन मौजूद है। अगर बेसिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो 5 हैं। एक तो मैंने आपको बताया SAP बिजनेस वन, दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोडक्ट, ये और सॉफ्टवेयर भी है, ये प्रोडक्ट भी है, ठीक है। उसके बाद जो एडवांस लेवल पे आती है वो है SAP ECC। SAP ECC में स्पेशलाइजेशन होती है हर मॉड्यूल की। तो दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया SAP ECC, ठीक है। तीसरा है SAP बेसिस, जो कि डील्स विद इट्स कनेक्टिविटी इश्यूज, मतलब किसी भी किस्म के कोई कनेक्टिविटी इश्यूज आ रही हो सॉफ्टवेयर में तो एक सॉफ्टवेयर आपको और करना पड़ता है, दैट इज़ SAP बेसिस। अगर आपने कोई भी यूज़र एक्सेस राइट्स या बैक एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट को डील करना है तो SAP HANA और ABAP, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो SAP बिजनेस 1, ECC, बेसिस, हाना और ABAP, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें से SAP बिजनेस 1 इज़ अ कंप्लीट बिजनेस प्रोडक्ट, मतलब कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो ये एज अ सेपरेट प्रोडक्ट भी काउंट होती है, और इसमें हर मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, ये टोटल एक ही चीज़ है, ठीक है। दूसरे सारे जो कैटेगरीज फॉल करती हैं, जो 29 प्रोडक्ट्स में कह रहा हूँ कि काउंट होती हैं, वो है ECC की वजह से। ECC में हर जो मॉड्यूल मौजूद है ना सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए एक सेपरेट स्पेशलाइजेशन है। अगर आप एबैकस या किसी भी जगह पे आप कोर्स करते हैं तो FI, जिस तरह आपको आपने नाम सुना होगा फीको का, जब ट्रेनिंग आप लेने जाते हैं तो कहते हैं जी SAP फीको सीख लें, उसकी बड़ी डिमांड है। फीको क्या है? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है मॉड्यूल पूरा, और एक है कंट्रोलिंग मॉड्यूल। तो ज़्यादातर अकाउंटेंट्स यही करते हैं, और हर एक मॉड्यूल की 3-3 से 4-4 महीने की सर्टिफिकेशन मौजूद है, और उसके अच्छे खासे चार्जेस हैं। तकरीबन आपको अगर फीको करना है तो आपको तकरीबन 5 लाख का बजट चाहिए ये सॉफ्टवेयर्स करने के लिए। ये मैं उसका बता रहा हूँ, अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे सीखना है, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी की लाइन अपनानी है तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं। और होपफुली कि हम इसकी भी ट्रेनिंग लॉन्च करेंगे कुछ अर्से में फीको की, तो वो भी आपको अवेलेबल होगी आफ्टर सम मंथ्स। तो वो भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो एंड यूज़र लेवल हम फिलहाल लॉन्च करेंगे, कंसल्टिंग लेवल नहीं होगा। और इसी तरीके से आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑन कैंपस भी मिल सकती है, तो दोनों ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो ये है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में। इंस्टॉलेशन ऑफ SAP बिजनेस 1, वो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करता हूँ कि किस तरीके से हम उसको स्टार्ट करेंगे और क्या क्या और प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है।